नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सभी को इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के ऑफिशियल चैनल पर मैं गोविंद एक बार फिर से आपके समक्ष साथियों आप में से कुछ नए साथी जुड़े हों तो उनके लिए एक सूचना हम आर एस प्री और को ध्यान में रखते हुए 2023 को करते हुए राजस्थान के संपूर्ण इतिहास का समग्रता के साथ में अध्ययन कर रहे हैं और आप लगातार मेरे साथ में पिछले सैतीस से जुड़े हुए हैं इससे पूर्व 37 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं आज अड़तीसवा सेशन है आप प्ले लिस्ट में सारे सेशन जाकर देख सकते हैं वहां पर और अगर कोई व्यवस्थित जुड़ना चाहता है व्यवस्थित कोर्स परचेज करना चाहता है खरीदना चाहता है तो इसके लिए एक नॉमिनल प्राइस जो भी इसलिए रखी गई है ताकि फालतू का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो मात्र 349 की प्राइस देकर पूरा आर एस का कोर्स संपूर्ण कोर्स खरीद सकता है इसके लिए आपको वीडियो के नीचे जो लिंक दे रखा है वहां पर जाकर जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर सीधा सीधा डॉक्टर मुकेश पंचोली सर का ऑफिशियल चैनल आपको डाउनलोड करना है डायरेक्ट भी गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल चैनल सर्च कर सकते हैं वहां पर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां से ये कोर्स परचेस कर सकते हैं साथियों हमारी चर्चा चल रही थी लास्ट क्लास में वो थी अठारह के रिवॉल्ट के बारे में अठारह की क्रांति के बारे में अठारह की क्रांति पिछली वाली क्लास के अंदर मैंने इसका थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि ये क्रांति कैसे किस प्रकार से चली और किस प्रकार से शुरू हुई देखिए इस क्रांति का जो मुख्य कारण था वह था भारत की आर्थिक लूट और आर्थिक लूट है तो स्वाभाविक सी बात है पब्लिक में जनता में असंतोष की भावना तो होगी ही होगी तो जन असंतोष भी इसका एक कारण माना जा सकता है जनता का असंतोष अविश्वास जन आक्रोश कह सकते हैं उसे आप ये तो कारण थे ही थे इसके अलावा एक और कारण इसका बन गया और वो कारण था अलग से हम देखना चाहें उसे तो वो था डलहोजी, अलप मौर्य डलहोजी की एक नीति थी जिसका नाम था राज्य हड़प की नीति राज्य हड़प की नीति के तहत डलहौजी ने बहुत सारी रियासतों को हड़पने का प्रयास किया था इसी कड़ी के अंदर मैंने आपको बताया था इस राज्य हड़प की नीति के तहत वो दो तरीके से रियासतें हड़पता था एक तो या तो कुशासन का आरोप लगा लेता था कि वहाँ का रूल ऑफ लॉ सिस्टम फैल हो चुका है या फिर कहता था कि एक कानून था गोद प्रथा निषेध कानून उस कानून के तहत उसका ये एजेंडा था कि जिस राजा के कोई पुत्र नहीं है वह पुत्र गोद नहीं ले सकता तो आप देख सकते हैं गोद प्रथा निषेध कानून के तहत डलहोजी ने भारत के सब अंदर सबसे पहले जो रियासत हड़पी थी वह रियासत थी सातारा और राजस्थान के अंदर इसी कड़ी के अंदर उसने जो रियासत हड़पने का प्रयास किया था वह उदयपुर को किया गया था लेकिन उदयपुर रियासत हड़पी नहीं जा सकी वह हड़प नहीं पाया तो सबसे पहले हड़पी गई रियासत ब्यावर कैलाई आप की आपसे पूछा जाए कि अठारह की क्रांति से पूर्व डलहोजी ने कौन सी रियासत हड़पी थी तो वह थी ब्यावर उदयपुर में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी के कोई पुत्र नहीं था गोद लिया गया था सज्जन सिंह जी को तो सज्जन सिंह जी को गोद लेने नहीं दिया गया था तो वो भी एक कारण बन सकता है खैर उस पर फिलहाल अभी बात नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं देखिए क्रांति की योजना जो तैयार की गई थी वह योजना मैंने पिछली क्लास में बताया था योजना या तो लंदन में तैयार की गई थी या बिठुर गांव में ये बिठूर वर्तमान कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है इस योजना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारियों में नाम सामने आते हैं वो हैं नाना साहेब क्योंकि नाना साहेब दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव सेकेंड के और पेशवा बाजीराव को पुत्र गोद लेने नहीं दिया गया था क्योंकि ब्रिटिश कानून था गोद प्रथा निषेध नाना साहेब के अलावा इनके साथियों में आत्माराम रामचंद्र पांडुरंग जिन्हें आप ताती टोपे कहते हैं इसके अलावा राणोजी बापू मोरोपंथ पिंगले रानी लक्ष्मीबाई के पिता अजीम उल्लाह खान और मोहम्मद इसरार अली ये सारे अठारह की क्रांति के योजनाकारों में शामिल थे योजना ये थी कि इन्होंने पता कर लिया था कि अगर इस देश में कामयाबी हासिल करनी है ब्रिटिश साम्राज्य को भगाना है तो सबसे पहले हमें छावनियों को टारगेट करना होगा छावनियों पर हमला करना होगा भारत में पांच सौ पैंसठ थी और इन छावनियों में इन्होंने कमल भिजवाया और हर गांव में रोटी भिजवाई क्योंकि क्रांति के कारणों में मैंने आपको बताया ही है कि जन असंतोष और जन आक्रोश तो जमकर था ही तो रोटी और कमल जो है अर्थात चपाती और लोटस जो है वह हर गांव और छावनी के अंदर भिजवाई जिसने इस कमल और रोटी को स्वीकार कर लिया समझ लो क्रांति में योजनाकारों के साथ होगा भारत की आजादी में योगदान देगा इस क्रांति की जो दिनांक तय की गई थी वह तय की गई थी 31 मई अठारह सो सत्तावन इकतीस मई अठारह क्रांति की दिनांक तय की गई थी और इस दिनांक के तहत सबसे पहले क्रांति की शुरुआत होनी थी मेरठ छावनी से मैंने आपको बताया था कारण मेरठ को टारगेट करने के पीछे इनका उद्देश्य ये था क्योंकि मेरठ में ब्रिटिश ससरागार था हथियार खाना था अगर मेरठ छावनी को लूट लिया जाता है तो आधी कमर ब्रिटिश सरकार की तो वैसे ही टूटनी तय थी मेरठ के अलावा एक ससरागार अजमेर में भी था इकतीस मई की दिनांक ही चुनने के पीछे कारण ये भी था क्योंकि ये गर्मियों का वक्त था और ब्रिटिश साम्राज्य जो है इस गर्मियों के वक्त जो है वह ठंडे प्रदेशों में था इस कारण से उसे लूटना उसे मारना उसे भगाना बड़ा आसान होगा तो इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आगे क्या होता है उससे पहले आपको थोड़ा सा रामा सामा कर लेते हैं आपसे हाय हेलो कर लेते हैं देखिए तो सही हमारी हाय हेलो कौन कौन कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है कनक सिंह जी इंद्रपाल सिंह बी आर डी सिंह पुष्प डामोर सुमन जी चौधरी मनोज निनाव एंड ठीक है चलिए सभी को जय हिंद वंदे मातरम अजयन रेखा वंदना मुकेश गीता कपिल दीपक जी गंवरिया सोनू सैनी साहब मुनमुन बलवीर विराट पूजा सभी को जय हिंद वंदे मातरम रेखा जी सुबीता जी राम राम जय हिंद वेलकम है सभी का चले चर्चा की शुरुआत करते हैं आज के स्वीटी जय भीम कल जय भीम से मुझे याद आया नीचे एक कमेंट पता नहीं क्यों लिखा एक बच्चे ने कि सर आप जय भीम क्यों नहीं बोलते कितनी बार बोलो मेरे भाई मैं जय भीम बोलता हूँ इसमें क्या है और वो बोले कि आप राजपूतों की तारीफें करते हो भीमराव अंबेडकर साहब की तारीफ नहीं करते मैं उसको कैसे समझाऊ मेरे बावड़े भाई को एक बात बताऊ राजपूतों को पढ़ा रहा हूं तो राजपूतों की तारीफ करूंगा ना अभी हम आंदोलन देखेंगे किसान आंदोलन देखेंगे आदिवासी आंदोलन देखेंगे वहां पर वैसे तारीफे हो जाएगी डोंट वरी तो जैसा टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है ऐसा ना सोचो ठीक चले आगे बढ़ते हैं वैसे भी मेरा आज थोड़ा गला चौक है खराब है इसलिए ज्यादा छेड़ना मत मुझे मैं थोड़ा गला खराब है चौक हो गया गर्म होता है ना निकला भी नहीं जा रहा कुछ एनीवेज चलिए 1857 1857 की की बात बात करनी है हमें देखिए करने से पहले हमें पूरा प्रोफाइल समझना पड़ेगा कि क्या क्या उस समय देश की परिस्थितियां थी और किस किस प्रकार से हम देश में आ, उस समय सारी चीजें थी अगर आपसे पूछा जाए सवाल बन सकता है देखिए 1857 की क्रांति का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ क्रांतिकारी को पढ़ो विदेशियों को भी तो नजर रखना चाहिए ना दुश्मनों पर भी तो नजर रखनी चाहिए तो उस समय महारानी कौन थी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश महारानी थी विक्टोरिया भारत का गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड कैनिंग यहां पर लोग अक्सर गलती कर देते हैं लोग सोचते हैं डलहोजी ने नीति अपनाई थी इसलिए जानबूझकर गवर्नर जनरल डलहोजी डाल देते हैं और लोग डलहोजी टिका के आ जाते हैं डलहोजी तो नीति लागू करके चला गया था अब गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग उस समय ब्रिटेन ब्रिटिश प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ज, ज, जो था वह था जॉन मिस्टन जॉन मिस्टन भारत का सेनापति था कमांडर इन चीफ वह था जॉन एडिसन जॉन एडिसन और क्रांति के दौरान ही सेनापति बदल गया था और बाद में बना था कॉलिन कैम्बोवेल राजस्थान का सेनापति जिसका नाम था होम्स टी आर होम्स राजस्थान का एजीजी एजीजी का मतलब एजेंट टू दी गवर्नर जनरल एजेंट टू दी गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल का एजेंट जिसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजधानी भारत की थी शिमला और राजस्थान की राजधानी उस समय थी माउंट आबू ब्रिटिश शस्त्रागार थे उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में शस्त्रागार यानी हथियार खाने एक था मेरठ में यूपी और एक था अजमेर में राजस्थान में एक बार इसको लिख लो बढ़िया रहेगा फायदे में रहेगा पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के पूछे सीता जी कौन थे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी यहाँ से सवाल टिकाया जा सकता है कि नहीं टिकाया जा सकता है मिस्टर आयुष कुमार जी कह रहे हैं कि सर आर एस का की एग्जाम कब होगी प्लीज बताओ देखो ऐसा है साहब मैं एक बार गहलोत साहब से बात करूंगा और आरपीएससी के चेयरमैन से भी बात करूंगा कि साहब एग्जाम कब करवा रहे हो मजाक लग रहा है ना मेरी बात वास्तव में मजाक आप लोगों के साथ में दूसरे लोग करते भी हैं मैंने बहुत सारे ऐसे मार्केट में विद्वान देखे हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है जैसे कि आर तो सारी उन्हीं की हो उन्हीं के सद, परिवार के सदस्य चला रहे हो सारा सरकार उसकी है इसलिए बोल भी देते हैं आप लोग पूछते हो सर एग्जाम कब होगा वैकेंसी कब आएगी बोल भी देते हैं कि सर अब आएगी ये होगा एग्जाम तब होगा मुझे नहीं पता एग्जाम कब होगा वैकेंसी कब आएगी लेकिन इतना कह सकता हूं कि काफी समय हो चुका है अब तो वैकेंसी आनी चाहिए कायदा तो यही कहता है नियम तो यही कहता है आप मेरी बजाय किसी और को पूछते तो वो मनगणंत बातें बता भी देता जैसे उसके घर की बात हो वैकेंसी आना या नहीं आना एग्जाम कंडक्ट होना या नहीं होना ये सरकार के अकेले के हाथ में भी नहीं है न अकेले आर के हाथ में है बहुत सारा प्रोसीजर होता है बहुत सारी चीजें फॉलो करनी होती हैं, बजट पारित करवाना होता है बहुत सारी अनुमति लेनी होती है अकेले गहलोत साहब भी वैकेंसी नहीं निकाल सकते खाली घोषणा कर सकते हैं एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है मेरे भाई बस इतना कहूंगा बहुत जल्द आने की संभावना जरूर है क्योंकि काफी लंबा वक्त हो चुका है अभी तक वैकेंसी राजस्थान में नहीं आई है नियम ये कहता है कि हर साल वैकेंसी आनी चाहिए डोंट वरी अगर पिछले दो सालों से वैकेंसी नहीं आई है आर एस की तो उल्टा आप फायदे में हो एक तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी नहीं तो वैकेंसी आने के बाद में लाखों की भीड़ जाग जाएगी तो तैयारी अच्छे से हो जाएगी प्लस पिछले साल की जो पोस्टें हैं वह अगले साल के लिए उसमें ऐड कर दी जाती है यानी पोस्टें ज्यादा बड़ी हुई होगी समझ गए मेरे भाई मेरी जगह और किसी को पूछते तो वो बता भी देता मनगढ़ंत जैसे कि वो खुद ही वैकेंसी डालने वाला हो बहुत सारे हैं ऐसे कमी नहीं इस इस संसार में धरती पर खाली अपनी दुकानें चलानी है इसलिए फेंको बातें चले आगे बढ़ते हैं देखिए क्रांति की दिनांक 31 मई निर्धारित की गई थी जो मेरठ से आरंभ होनी थी लेकिन समय से पहले वर्तमान बेरकपुर छावनी में विद्रोह हो गया था बेरकपुर का विद्रोह बेरकपुर छावनी में 29 मार्च को विद्रोह की शुरुआत हो गई देखो यहां पर क्या हुआ था एग्जैक्टली वो समझना बेरकपुर छावनी में बेरकपुर छावनी के अंदर 28 मई की नाइट को यहां का एक चौतीसवीं नेटिव इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री अर्थात पैदल टुकड़ी का एक हवलदार था पैदल टुकड़ी का एक हवलदार था जिसका नाम था मंगल दीवाकर पांडे ये पांडे जी प्रॉपर बलिया उत्तर प्रदेश से थे जिनकी पोस्टिंग बेरकपुर छावनी में थी एक हवलदार की पोस्ट पर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जब भी सवाल आएगा गहराई से जाएगा ऊपर ऊपर से सवाल नहीं आएगा मंगल दिवाकर पांडे की ड्यूटी 28 मई की नाइट को एक बार में लगाई गई बार में ड्यूटी लगाई गई और वहां पर उस बार में जनरल ह्यूसन ह्यूसन और कैप्टन वॉ कैप्टन वॉ लिखा इंग्लिश में ऐसे जाता है वागन इसलिए भारतीय देखिए देखिए भारतीय लोग अंग्रेजों की टोन बोल नहीं पाते और अंग्रेज भारत की टोन नहीं बोल पाते जैसे कि आप अगर क्रिकेट के थोड़े बहुत शौकीन हो और क्रिकेट का नॉलेज हो तो आपको पता होगा साउथ अफ्रीका टीम में एक प्लेयर है जिसको बोला जाता है वास्तव में वो एंगीडी है लेकिन अखबार वाले क्या लिखते हैं नगीड़ी नगीडी या कोई लिखता है एनगीडी है ना तो साउथ ऑस्ट्रेलियन टीम में भी पहले थे स्टीव वो मार्क वो बोला जाता है वो लेकिन हम बोलते लिखते अखबार वाले कैसे वागन क्योंकि दिखता है ऐसा ना जैसे नाइफ को कनाइफ बोल लेते कुछ लोग समझ रहे ना वैसे ही अंग्रेजों को भारत की टोन नहीं आती थी नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर कर्नल जेम्स रोड जैसे इतिहासकारों ने क्या बना दिया रविंद्रनाथ ठाकुर और ठाकुर धीरे धीरे टैगोर बन गया नाम था अनार सिंह और मना दिया उनार सिंह तो ओनाड सिंह भी कहीं कहीं लिखा हुआ है तो वो था नाम वागन नहीं था लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वागन भी मिल सकता, वो भी मिल मिल सकता सकता है ठीक है है तो वो वो ठीक तो और बार के अंदर सुट्टे वुट्टे लगा के डांस कर रहे थे सुट्टे वुट्टे समझते हो ना सिगरेटे वगैरह फूंक रहे थे और पी पिवाड़ के डांस देख रहे थे और बार में जो नाचने वाली औरतें थी वो मंगल के परिवार से संबंधित थी या उसकी जानकार थी इसलिए मंगल बाबू जो है नाइट में ड्यूटी छोड़ के आ गए वहां से अगले दिन यानी 29 मार्च की शाम को पांच बजे के आसपास मंगल बाबू को इस जनरल ह्यूसन ने जो कि छावनी का सार्जेंट था सार्जेंट का मतलब होता है उस छावनी का एक तरह से कैप्टन वर्तमान बैरकपुर छावनी कलकत्ता शहर से थोड़ा सा दूर है उत्तर में करीब 30-35 किलोमीटर नॉर्थ में है बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल बाबू को शाम को पांच बजे के आसपास ह्यूसन ने कहा प्रैक्टिस के लिए कि वो गोली चलाएं लेकिन मंगल बाबू ने गोली चलाने से मना कर दिया गोली चलाने से इसलिए मना किया क्योंकि मंगल को एक अफवाह सुनने को मिली थी बहावलपुर से बहावलपुर यूपी में एक अफवाह चली थी दो फरवरी को बहावलपुर उत्तर प्रदेश में एक अफवाह थी बहावलपुर यूपी दो फरवरी को एक अफवाह फैली थी कि पहले जो बंदूकें आती थी वो बंदूकें थी ब्राउन्स बींस बंदूकें ब्राउन्स बींस बंदूकें जो होती थी अगर आपने रियल में नहीं देखी होगी तो एक नाली वाली बंदूक होती थी एक नली वाली उसमें क्या काल्प करते थे छर्रा डालते थे और छर्रा डाल के ऊपर बारूद भर के उसको डंडे से ठोकते थे फिर फायर करते थे तो हर बार ऐसा प्रोसीजर करना होता था छर्रा डालो बारूद डालो फिर ठोको टाइट करो फिर फायर करो जितने तो सामने वाला लठ मार दे तो उसकी जगह नई अपडेटेड बंदूकें आई थी जिसका नाम था एनफील्ड एन नाइनटी थ्री राइफल्स इस राइफल्स की खासियत यह थी कि यह दो नाली वाली बंदूक थी और इसमें जो कारतूस भरा जाता था कारतूस बंदूक की गोली वो कारतूस कुछ इस तरह का होता था आपने देखा होगा कारतूस जो भी होता है उसके पीछे जो होता है वो तांबे का कैप होता है जिसमें बारूद भरा हुआ होता है और इस तांबे के कैप के आगे एक छर्रा डाला जाता है छर्रा छर्रा जो पीतल का छर्रा होता है और हमेशा बंदूक की गोली जब फायर की जाती है तो आपने नोटिस किया होगा ये कैप तो वही गिर जाता है फिल्मों में देखा होगा ये छर्रा जो है वह आगे जाकर इंसान के शरीर में घुसता है ठीक है ये सिर्फ छर्रा जाता है वो तांबे की कैप वही गिर जाती है तो इस छर्रे और इस तांबे की कैप के बीच में इसको टाइट करने के लिए एक चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था जिसके बारे में अफवाह थी कि यह गाय या सुअर का चमड़ा है ऐसी अफवाह बाहावलपुर यूपी में चल रही थी दो फरवरी के आसपास तो इन बंदूकों का सबसे पहला विरोध बाहुल बाहवलपुर यूपी में हुआ था ठीक है देखो कारतूस एक ऐसी चीज है आपने वो फिल्मों में देखे होंगे ना रियल में भी देखे होंगे हैंड ग्रेनेड होते हैं तो ग्रेनेड की पहले पिन निकाल के फिर उसको फेंकते हैं डायरेक्ट फेंके तो वो फटे नहीं तो वैसे ही बंदूक के पीछे जो बारूद होता है उस आज कारतूस बना तो आज का आज तो फटेगा नहीं वक्त लगेगा तो उसके बीच में चमड़ा लगाते थे ताकि बारूद जो है बाहरी क्लाइमेट में आकर खराब ना हो तो उसको लोड करने से पहले वो छर्रा निकाला जाता उसके बाद में वो चमड़ा हटाया जाता फिर उसको टाइट करके फिर बंदूक की गोली को लोड किया जाता था अब छर्रा होता है छोटा हाथ से तो निकलेगा नहीं इतना तो ढीला है नहीं तो दांत में फंसा कर उसे निकालना होता था तो ये अफवाह थी और मेरे ख्याल से ये अफवाह ही थी क्योंकि गाय या सुअर दोनों में से किसी एक की चर्बी का इस्तेमाल करना ठीक बात है दोनों की चर्बी का इस्तेमाल करने से क्या मतलब है यह अफवाही थी क्योंकि गाय हिंदुओं का पूजनीय पशु है और सुअर मुसलमानों का घृणित पशु है मुसलमान इससे घृणा करते हैं ठीक है तो ये अफवाह थी इसी कारण से मंगल दिवाकर बाबू ने ह्यूसन को गोली चलाने से मना कर दिया प्रैक्टिस सेशन के दौरान जब ह्यूसन को गोली चलाने की मना कर दिया तो ह्यूसन ने रात वाला गुस्सा निकाला मंगल पर और उसे कोडे मारे और सैनिक का दिमाग ही वैसे यहां कहां होता है घुटने में सीधा मंगल ने वो बंदूक लोड़ थी दोनों की दोनों ह्यूसन के पेट में उतार दी गोली अब एक को मारे या दस को मारे पचास को मारे चढ़ना मंगल को फांसी पर है तो यहां से मंगल भागने की फिराक में थे और भागते भागते वो जमीन पर लेटकर उस बंदूक से अपने अंग, पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबाकर खुद को गोली मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भारतीय चमचे जो थे जो अंग्रेजों मैंने कहा ना देश में गद्दारों की कमी नहीं है उन्होंने मंगल को पकड़ लिया और उसकी बटालियन का जो हेड था वो वो उसे मारने लगा तो मंगल ने आगे चाकू लगा हुआ था उस बंदूक के वो दोनों वो चाकू जो है उसके गले में उतार दिया और साथ में एक और अंग्रेज अधिकारी को भी मार दिया टोटल तीन को मारा था मंगल ने यहां पर तीसरे का नाम किताबों में नहीं मिलता ठीक है यहां तक जो मंगल ने किया वो उसकी खुद की समस्या थी खुद का मैटर था लेकिन मंगल ने जब यूसन को मारा तो भागते भागते मंगल ने एक गलती कर दी कि अभी तक तो तुम लोगों ने ट्रेलर देखा है फिल्म तो पूरी अब दिखाएंगे हम लोग ऐसा नहीं कहा था मंगल ने यह कहा था कि अब तक तो एक छोटी सी चिंगारी का सूत्रपात है पूरी योजना को अब अंजाम देंगे तो उस समय भारत का जो सेनापति था जिसका नाम था जॉन उसने सारी छावनियों में पहले से टेलीग्राफ भेज के उनको अलर्ट कर दिया था कि आप अलर्ट हो जाओ कभी भी कुछ भी ये भारतीय सैनिक गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने अंदर ही अंदर हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर रखा है इसलिए क्रांति पर पानी फिर गया चलिए लिखिए लिखिए बैरकपुर का विद्रोह बैरकपुर का विद्रोह लिखिए वर्तमान वर्तमान कलकत्ता शहर के पास कोलकाता शहर के पास वर्तमान कोलकाता शहर के पास बैरकपुर छावनी में बैरकपुर छावनी में वर्तमान कोलकाता शहर के पास बैरकपुर छावनी में बैरकपुर छावनी में हाँ आजकल नहीं आता सुचित्रा जी बैरकपुर छावनी में समय से पहले 29 मार्च समय से पहले 29 मार्च को चौंतीसवीं नेटिव इन्फेंट्री के एक हवलदार मंगल दिवाकर पांडे चौतीसवीं नेटिव इन्फेंट्री के एक हवलदार मंगल दिवाकर पांडे कोस्टक बलिया यूपी चौतीसवीं नेटिव इन्फेंट्री के एक हवलदार मंगल दिवाकर पांडे कोस्टक बलिया यूपी मंगल दिवाकर पांडे कोस्टक बलिया यूपी ने जनरल ह्यूसन कैप्टन वॉ जनरल ह्यूसन कैप्टन वॉ समेत तीन ब्रिटिशर्स को गोली मारकर समेत तीन तीन ब्रिटिशर्स को गोली मारकर समय से पहले इसकी शुरुआत कर दी समय से पहले इसकी शुरुआत कर दी मंगल ने यह गोली मंगल ने यह गोली मंगल ने यह गोली मंगल ने यह गोली Houston, वो मंगल ने यह गोली ह्यूसन वो समेत तीन अंग्रेजों पर चलाई थी समेत तीन अंग्रेजों पर चलाई थी गोली चलाने का कारण एनफील्ड एन नाइन्टी थ्री राइफल्स में भरे जाने वाले कारतूस एनफील्ड एन नाइनटी फाइव एन नाइन्टी थ्री राइफल्स में भरे जाने वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने का की अफवाह के कारण भरे जाने वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह के कारण यह गोली चलाई थी अफवाह के कारण यह गोली चलाई थी ठीक है यह गोली गाय और सुअर की चर्बी के होने का सूचना पाकर गोली चलाई थी जिसका पहला विरोध बहावलपुर यूपी में 2 फरवरी को हुआ था इन कारतूसों का पहला विरोध बहावलपुर नोट में लिखना बहावलपुर यूपी में दो फरवरी को हुआ था ठीक है बहावलपुर यूपी में दो फरवरी को हुआ था चले आगे बढ़ते हैं तो समय से पहले मंगल पाबू ने अमंगल कर दिया क्रांति पर पानी फेर दिया अब हम देखते हैं राजस्थान में क्रांति कहां कहां और कैसे कैसे हुई हैडिंग डाली है राजस्थान में क्रांति राजस्थान में क्रांति 1857, 1857 एक बात बताइए ये, ये क्रांति जो है वह जनता की क्रांति है या फिर सैनिकों की क्रांति है सैनिकों की क्रांति है तो सैनिकों की अगर क्रांति है तो कहां पर हो, होनी चाहिए छावनियों में तो राजस्थान में छावनियां कहां कहां कौन कौन सी थी राजस्थान में छावनिया बिल्कुल आप में से अधिकांश लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में छह सैनिक छावनियां थी ठीक है छह सैनिक छावनियां थी और वो छह सैनिक छावनियां जानते हैं नसीराबाद वर्तमान अजमेर में ब्यावर वर्तमान ब्यावर अपने आप में जिला है नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश में देवली वर्तमान टोंक में एरिनपुरा वर्तमान पाली में खेरवाड़ा वर्तमान में इन छावनियों के अंदर विद्रोह हुआ था ठीक ये विद्रोह नसीराबाद में ये छह सैनिक छावनियां एक दो तीन चार पांच और ठीक? यहां पर 28 मई को विद्रोह हुआ ब्यावर में 28 मई को हलचल हुई नीमच में तीन जून को विद्रोह हुआ देवली में चार जून को विद्रोह हुआ एरिनपुरा में 21 अगस्त को विद्रोह हुआ और खेरवाड़ा में बिल्कुल भी नहीं हुआ था एक सेकंड, एक सेकंड साथियों रुकिए, रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए, 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 रुकिए रुकिए रुकिए, 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 बहुत कुछ बहुत कुछ अलग चीजें अच्छा एक बात बताइए सही से बताना दिल से दिल से बताना राजस्थान में छह सैनिक छावनियां ही थी ही थी क्या विद्रोह कोटा में नहीं हुआ कोटा में नया पूरा छावनी नहीं थी कोटा में नया पूरा छावनी नहीं थी मेरी नजर में तो थी और यहां पंद्रह अक्टूबर को विद्रोह हुआ था तो फिर किस विद्वान ने कह दिया छह सैनिक छावनियां थी अच्छा वेरी गुड विद्रोह तो आउवा में भी हुआ जहां पर मुख्य युद्ध दो और टोटल तीन हुए आउवा वर्तमान ब्यावर जिला जहां बीठोड़ा युद्ध हुआ आठ सितंबर को चेलावास युद्ध हुआ अठारह सितंबर को और आउआ का युद्ध हुआ जनवरी अठारह को चलो आउआ तो छावनी नहीं थी ठिकाना था अच्छा ये तो मानते हो ना कि माउंट आबू राजस्थान की राजधानी थी ग्रीष्मकालीन राजधानी तो क्या ये छावनी नहीं थी यहां पर भी विद्रोह हुआ था 20 अगस्त को अब आप कहोगे कि सर हमने तो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं चलो आबू में विद्रोह नहीं हुआ तो खेरवाड़ा में कौन सा विद्रोह हुआ उसको छावनी के रूप में ऐड क्यों कर रहे हैं आप लोग उसको भी बाहर फेंकिए फिर आबू से विद्रोह उठ के डीसा से आया था 19 अगस्त को गुजरात के डीसा में सीक्वेंस देखिए सीक्वेंस देखिए 19 अगस्त अगस्त डीसा 20 आबू और 21 अगस्त एरिनपुरा चैन सिस्टम तो क्या डीसा राजस्थान की सैनिक छावनी नहीं थी अब कुछ विद्वान कहेंगे नहीं साहब डीसा तो कैसे थी वो तो गुजरात में है ना तो नीमच कौन सी राजस्थान में फिर इसको निकाल के बाहर फेंको अच्छा अजमेर में कुछ नहीं था अजमेर में तो ब्रिटिश शस्त्रागार था भाई छावनी के रूप में नहीं थी पता नहीं किस लोगों ने इतिहास लिखा है उनको दूर से प्रणाम करके नारियल बदारने का मन करता है छह सैनिक छावनियां कभी एग्जाम में पूछी जाए तो बता देना छह थी और फिर उसी को अपन कोर्ट में मजे ले लेंगे प्रूव करो क्या नयापुरा में नहीं थी इग्नोर नहीं कर सकता आबू में नहीं थी इग्नोर नहीं कर सकता अजमेर में नहीं थी इग्नोर नहीं कर सकता छह और मेरी नजर में और एक्स्ट्रा छावनियां लिखो सबसे पहला विद्रोह नसीराबाद में फिर ब्यावर में उसके बाद नीमच में फिर देवली में उसके बाद डीसा में उसके बाद आबू में उसके बाद एरिनपुरा में उसके बाद आउआ में उसके बाद कोटा में इस तरह से विद्रोह हुआ था लिखो अच्छा पहले राजस्थान में ही था नीमच तो भाई साहब नीमच अगर पहले राजस्थान में था तो उस हिसाब से तो अरे एनसीआरटी में लिखा हुआ तो क्या हुआ अपन एनसीआरटी को चैलेंज नहीं कर सकते एनसीआरटी के बाबूजी है भगवान है इग्नोर कैसे करेंगे मैं भी देखता हूं कैसे इग्नोर करेंगे कैसे प्रूव कर सकते हैं मुझे बताओ आप दिल से बताओ दिल से बताओ मुझे नया पूरा छावनी कोटा में है या नहीं है कोई कोटा का है क्या क्लास में मेरा फेवर लो कोटा कोई गया है क्या कोटा देखा देखा लगता है या सुना सुना लगता है कोटा में नया पूरा छावनी है या नहीं है? ये बता दो मुझे खाली बस इतना यार आबू में ग्रीष्मकालीन राजधानी थी या बटालियन तैनात थी और आबू को छावनी के रूप में ऐड नहीं किया जाता पहले राजस्थान हाँ हाँ भाई सुन लिया आरव पहले राजस्थान में ही था नीमच छावनी एक चौकी जैसा स्थान होता है हाँ हाँ समझ गया तो चौकी जैसा स्थान होता है तो क्या आबू में नहीं थी छावनी मुझे ये बताओ ना कोटा में नहीं थी छावनी ऑप्शंस में आए तो आप तो छह कर रहा ना अपने तो गोला राइट करना है काहे की पंचायती करनी है गोला राइट करना है गोला राइट करना है अपन को तो थो। पंचायती थोड़ी करनी है पर सिलेक्शन ना हो तो किसी का होने नहीं देंगे हम तो डूबे डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे चलो आगे बढ़े हाँ रट्टा मार के आए हैं अच्छा एनसीआरटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता क्यों एनसीआरटी भगवान है चैलेंज नहीं किया जा सकता मतलब ये तो वही वाली बात हो गई एनसीआर को ताना सा है क्या ताना हुई तो ना कि हमने लिख लिया सोने की लकीर घमट वाली बात हो गई ना भाई साहब चलो ठीक है आप तो लिख लो ना बाकी क्या अपन को कहा पंचायती करनी है क्या कहे की चढ़च करनी है आपको पूछे एग्जाम में कितनी सैनिक छावनी है छह कर दो ना क्या दिक्कत है मैंने आपको क्या कहा फिर अपन को मजे ले सकते हैं ये बता के कोर्ट में अगर सिलेक्शन नहीं होता तो लड़ाई कर सकते हैं अरे भाई ये वो इतिहास है बचपन से आपने पढ़ा ना कि भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया किसने किया बचपन से पढ़ते आने महात्मा गांधी ने किया ये सवाल भी आरपीएससी 2020 फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में पूछा गया और इस सवाल को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया कि भारत छोड़ो और असहयोग अकेले गांधी जी ने किया था या देश की जनता ने किया था कोर्ट ने भी माना देश की जनता ने किया था सवाल डिलीट मारना पड़ा को मतलब आजकल पहले भी सवाल छपते थे ऐसे ही छपते थे लेकिन हम इतने इंटेलिजेंट नहीं थे ना कंपटीशन नहीं था सबसे ज्यादा वैकेंसियां कोर्ट में हिस्ट्री की वजह से लटकती है यह तो पता होगा आपको ठीक है चले आगे बढ़े सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद की नसीराबाद लिख लिया टोटल नसीराबाद में कैसे किस प्रकार से क्रांति हुई जरा समझते हैं देखिए नसीराबाद में क्रांति हुई हम बाद में समझेंगे पहले हम बात आ, आती है अजमेर पर देखिए मैंने अभी अभी कुछ देर पहले कहा था अजमेर में ब्रिटिश शस्त्रागार है और उन्हीं किताबों में लिखा हुआ है जिस किताबों को आप एनसीआर में लिखा हुआ मेरी तरफ से नहीं है अजमेर में शस्त्रागार था हथियार खाना था ठीक है एक बात बताइए राज, राजपूताना प्रांत का एजीजी कौन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस लॉरेंस है ना यह लॉरेंस उस समय कहां था जब क्रांति की शुरुआत हुई आबू में लॉरेंस आबू में था सुन लो मेरे भाइयों सुन लो सुन लो जल्दी जल्दबाजी मत करो हाँ जी नीमच प्रतापगढ़ के पास में पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस लॉरेंस उस समय आबू में था समझने का प्रयास करो आपसी कमेंट बंद कर दो खाली सुनो लॉरेंस आबू में था लॉरेंस को जब सूचना मिली कि मेरठ में विद्रोह हो चुका है तो क्या उसको यह टेंशन नहीं होगी कि अजमेर शस्त्रागार को खतरा है टेंशन होगी कि नहीं होगी बिल्कुल होगी इसलिए लॉरेंस आबू छोड़ के अजमेर आया और अजमेर आकर वो इस छावनी की इस शस्त्रागार की सुरक्षा करवाना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा बिल्कुल करना चाहेगा इसलिए लॉरेंस ने भारत के सेनापति जॉन एडिसन को रिक्वेस्ट की कि वो दो बटालियन इसकी सुरक्षा के लिए भेजें इसलिए लॉरेंस के कहने पर भारत सेनापति जॉन एडिसन ने दो बटालियन अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए भेजी एक बटालियन का नाम था पंद्रहवी बी एन आई और दूसरी का नाम था तीसवीं बी एन आई ध्यान से सुनना मेरी बात मेरठ से दो बटालियन आई पंद्रहवीं बी एन आई और तीसवीं बी एन आई बी एन आई अर्थात बंगाल नेटिव नेटिव इन्फेंट्री सारे आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे बस सुनते जाइए इन्फेंट्री जो है वह बुलाई गई पंद्रहवीं और तीसवीं डन यहां तक बात समझ में आई दोनों बटालियन बुलाई गई अजमेर ससरागार की सुरक्षा करने के लिए किसने लॉरेंस ने किस को कहा एडिसन को और ये दोनों से से अब आप में अधिकांश लोगों के दिमाग में तो नहीं चल रहा होगा लेकिन कुछ कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कैसे क्यों देखो सैनिक तंत्र का नियम है कि कभी भी सैनिक को उसके एरिया में तैनात नहीं किया जा सकता कहने का मतलब राजस्थान बॉर्डर पर अगर राजपूताना रेजिमेंट को तैनात किया जाए राजपूत सेना को तैनात किया जाए तो कभी नहीं किया जा सकता क्योंकि जनरली क्या होता है वहां पर उनका ड्यूटी पे मन नहीं लगेगा सुबह ड्यूटी पे जाएंगे शाम को अपनी बीवी बच्चों माता पिता के पास घर लौटाएंगे इसलिए सैनिकों की अदला बदली होती है तो ये सैनिक बंगाल के हैं कहां पोस्टेड थे मेरठ में नेटिव इन्फेंट्री मतलब पैदल टुकड़ी बंगाल के सैनिक मेरठ में पोस्टेड थे और मेरठ में पोस्टेड सैनिकों को कहां बुलाया गया अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए किसने लॉरेंस ने यहां तक बात समझ में आई मेरी समझ में आई चलो आपस आप में बातें कम करो आज समझ में आई तो ठीक दोबारा क्रांति फिर रट्टा लगाओगे फिर लॉरेंस को टेंशन हुई कि यार ये सैनिक मेरठ से हैं और मेरठ क्रांति का हॉटस्पॉट है कई हमने बिल्ली के मुंह के सामने दूध तो नहीं दे दिया इसलिए मेरठ ने सॉरी लॉरेंस ने इन दोनों टुकड़ियों को यहां से नजदीकी छावनी में ट्रांसफर कर लिया नजदीकी छावनी में इन दोनों टुकड़ियों को ट्रांसफर कर लिया पंद्रवी बीएनआई को भेज दिया नसीराबाद और तीसवीं बीएनआई को नजदीकी छावनी भेज दिया ब्यावर अब समझ में बात यहां तक तो अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा तो अब किसी और से करवानी पड़ेगी तो अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए लॉरेंस ने दो बटालियन बुलाई और वो दो बटालियन थी एक का नाम था मेवाड़ भील कौर एमबीसी और एक बटालियन थी बंबई लानसर्स मेवाड़ भील कौर जिसका हेडक्वार्टर था खेरवाड़ा एमबीसी भारत की सबसे प्राचीन बटालियन है एमबीसी और बंबई लायंसर्स ये मोटरार छोड़ने वाली एक बटालियन है जो कि बड़ौदा के गायकवाड़ की सेना थी बड़ोदा की सेना थी इसको कहा भेज दिया गया अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए प्रोफाइल समझ में आया अजमेर का अब मुझे बताइए बताइए विद्रोह विद्रोह है कहां का। ये विद्रो है कहां का का मुझे आप इसे कहां का विद्रोह मानोगे इसे अजमेर का विद्रोह मानोगे या फिर ब्यावर का विद्रोह मानोगे या नसीराबाद का विद्रोह मानोगे अगर मेरे हत्ते चढ़ती है ना किताब लिखना अठारह सो अगर मुझे लिखने के लिए बोला जाए तो मैं तो अठारह की क्रांति को इस टाइप से लिखूंगा जाजा छह सैनिक न, न, पता नहीं बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो खुद ही किताबों में कुछ लिखे जा रहे हो खुद अपने बात पे सहमत नहीं हो मेरे हिसाब से अजमेर लिखना चाहिए अजमेर में क्रांति हुई जिसमें नसीराबाद ब्यावर वगैरह सब कुछ आ जाएगा दूसरा स्पॉट लिखना चाहिए इनको मेवाड़ जिसमें नीमच आ जाएगा और तीसरा स्पोर्ट लिखना चाहिए इनको मारवाड़ जिसके अंदर आबुआ आ जाएगा एरनपुरा आ जाएगा अबू आ जाएगा और तीसरा चौथा लिखना चाहिए इनको कोटा जिसमें कोटा की क्रांति आ जाएगी चार स्थान लिखने चाहिए फालती इतनी छावनिया ने ये छावनिया ने फलाना ढिमकान पता नहीं कहां कहां से लिखे हुए चीजें पता नहीं ठीक है अब सुनिए हुआ क्या अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं भगवान करे आपकी सरकारी नौकरी लग जाए आप अच्छे अधिकारी बन जाओ आपकी पोस्टिंग हो जाए जयपुर में ठीक है आज पोस्टिंग हुई आपकी जयपुर में और पोस्टिंग होते ही आपने बोरिया बिस्तर भी नहीं उतारा थकान भी नहीं उतारी उससे पहले आदेश आ जाता है कि आपको जयपुर की बजाय अलवर में पोस्टिंग हो रही है फिर अलवर में आप बोरिया बिस्तर ही नहीं उतारो और वहां पे थकान भी नहीं उतरे उससे पहले आदेश आ जाता है कि आपकी पोस्टिंग जो है अजमेर में हो रही है डाउट तो आएगा कि नहीं आएगा दिमाग में बिल्कुल आएगा तो पहले ये सैनिक मेरठ में थे मेरठ से इनको अजमेर बुलाया गया अजमेर से अब हाथों हाथ कह रहे हैं नसीराबाद चले जाओ ब्यावर चले जाओ सवाल तो उठाया जाएगा तो नसीराबाद छावनी के अंदर एक सैनिक था जिसका नाम था वक्तावर सिंह उस वक्तावर सिंह ने अपने कैप्टन से पूछा अब मुझे कमेंट में लिख के बताना कि वक्तावर सिंह कौन सी बटालियन का सैनिक है आपने ढंग से सुना है तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ वक्तावर सिंह कौन सी बटालियन का सैनिक है यह बताना पड़ेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा मैं भी तो देखू आप टाइम पास कर रहे हो या सिर्फ सही में पढ़ाई कर रहे हो वक्तावर सिंह कौन सी बटालियन का सैनिक है जल्दी बताइए तो मैं कलम आगे बढ़ाऊंगा वक्तावर सिंह कौन सी बटालियन का सैनिक है श्वेता कह रही है पंद्रह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इसका मतलब आप सुन रहे हो खाली कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो वेरी गुड शानदार शानदार मजा आ गया मैं भी तो देखू खाली टाइम पास करने वाले कितने हैं नसीराबाद का तो है बटालियन का नाम बताना आपको ठीक है वेरी गुड शानदार मजा आ गया गुड 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 शानदार मैं सोचू खाली टाइम पास ही कर रहे हैं मैक्सिमम लोग तो वक्तावर सिंह ने अपने कैप्टन से पूछा जो इस बटालियन का जो कैप्टन था ना पंद्रहवीं बीएनआई का उस कैप्टन का नाम था जिसका नाम था स्पॉटिस वुड से पूछा कि कल आपने हमको मेरठ से बुलाया आज आपने जो हमें नसीरा अजमेर से बुलाकर नसीराबाद ठोक दिया अगर हमारे ऊपर भारतीय सैनिकों को ऊपर इतना आपको विश्वास ही ना हो तो फिर ये नाटक क्यों भाई अपने कैप्टन से ऐसे बात कर रहा है क्या होगा इसका ये ज्यादा कुछ बोले उससे पहले इसका असिस्टेंट वाइस कैप्टन समझ लो उसको न्यू बरी, उस न्यू बरी ने खेच के वक्तावर को गाल पे जड़ दी खोपड़ी तो पहले से खराब थी इनकी और इस न्यूबरी के पेट में दोनों गोली उतार दी वक्तावर ने और वुड को भी मंगल स्टाइल में चाकू के खत्म कर दिया 28 मई की शाम को नसीराबाद में ये कांड हुआ और कांड होने के बाद में ध्यान से सुनना मेरी बात कांड होने के बाद में इन्होंने छावनी को आग लगाई और छावनी को आग लगाकर ये दोनों बटालियन ये दोनों बटालियन अजमेर सस्त्रागार को लूटना चाहती थी मैं नहीं कह रहा हूं उन्हीं एनसीआरटी में लिखा हुआ है उन्हीं NCRT में लिखा हुआ है कि ये दोनों बटालियन अजमेर शस्त्रागार को लूटने की फिराक में थी तो मुझे बताइए अजमेर सुरक्षा अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा कौन करेगा इस समय अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा कौन करेगा ये बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा बताइए अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा कौन करेगा अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा कौन करेगा जल्दी बताइए देखिए तो सही आप कितना बारीकी से मुझे समझ रहे हो सुन रहे हो नीमच क्यों करेगा भाई मजायाब खाली रेखा बता रही है इतने इंटेलिजेंट है एमबीसी एंड मुंबई लांसर्स करेगी बिल्कुल उसकी जगह तैनात की गई नीमच कहां से सुशील नीमच का तो यहां लेना देना ही नहीं है

अब बताइए अठारह की क्रांति में राजस्थानी लोग क्रांति कर रहे थे या फिर क्रांति को दबा रहे थे क्रांति को दबा रहे थे इसलिए अठारह से जब भी प्रश्न आता है मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था विद्रोह से नहीं आता सहयोगात्मक आता है गद्दारी से आता है आप 10 साल के नहीं 50 साल के पेपर उठाकर देख लीजिए अठारह में यही सवाल आते हैं कि, कि किसने कौन सा सहयोग किया कब किया और कहा किया कितना किया सहयोग ये MBC, खेरवाड़ा की बटालियन मुंबई लॉन्सर्स इन्होंने पंद्रहवीं बीएनआई और तीसवीं बीएनआई को शस्त्रागार लूटने नहीं दिया और मैं आपको बता दूं अगर ब्रिटिश शस्त्रागार अजमेर लूटा जाता तो राजस्थान में सबसे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में सबसे भयंकर क्रांति अजमेर में होती ये मैं नहीं एनसीआर की पुस्तकों में से ही बोल रहा हूं अगर राजस्थान में सबसे भयंकर क्रांति अजमेर में होती तो बताइए अजमेर छावनी थी या नहीं थी और कैसे कह सकते हैं कि ब्यावर में अजमेर में विद्रोह नहीं हुआ लिखिए 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 लिखे लिखे टाइम पास होता रहेगा पहले लिखिए लिखिए हेडिंग डालिए नसीराबाद 28 मई नेक्स्ट नसीराबाद 28 मई नेक्स्ट ब्यावर 28 मई नेक्स्ट अजमेर 28 मई तीनों अलग अलग लाइन में लिख के डालना 28 मई 28 मई 28 मई 28 मई। no पर वक्तावर ने नसीराबाद में न्यूबरी और वुड को मारा है इसलिए इतिहासकारों ने कह दिया कि सबसे पहले क्रांति नसीराबाद में हुई तो इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि ब्यावर और अजमेर में क्रांति नहीं हुई क्योंकि तीसवीं बीएनआई ब्यावर में ही थी लिखो लिखिए अजमेर में ब्रिटिश शस्त्रागार था अजमेर में ब्रिटिश शस्त्रागार था अजमेर में ब्रिटिश शस्त्रागार था थैंक यू रेखा जी ब्रिटिश शस्त्रागार था इसकी सुरक्षा के लिए राजपूताना के एजीजी लॉरेंस ने इसकी सुरक्षा के लिए राजपूताना के एजीजी लॉरेंस ने एजीजी लॉरेंस ने मेरठ से दो सैनिक टुकड़ियां बुलाई मेरठ से दो सैनिक टुकड़ियां बुलाई लिखोगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा दो सैनिक टुकड़ियां बुलाई दोनों को अलग अलग लाइन में लिखना पंद्रहवीं बी एन आई और तीसवीं बी एन आई फिफ्टीन बी एन आई और थर्टी बी एन आई पंद्रवी बीएनआई और तीसवीं बी एन आई दो सैनिक टुकड़ियां बुलाई बाद में बाद में इन दोनों टुकड़ियों को इन दोनों टुकड़ियों को इन दोनों टुकड़ियों को नसीराबाद नसीराबाद कोष्टक पंद्रह बी एन आई नसीराबाद के कोष्टक में लिख लो पंद्रह बी एन आई पंद्रह बीएनआ और ब्यावर कोस्टक में लिख लो तीस बी एन आई भेज दिया गया समझ में आई मेरी बात मैं आपके शकल नहीं देख पा रहा हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आई है तो बोल देना क्योंकि आज समझ में आई तो ठीक है दोबारा समझना मुश्किल रहेगा ठीक है भेज दिया गया लिखो नसीराबाद में नसीराबाद में इन्वेटेड कॉमा से अंडरलाइन करते हुए वक्तावर सिंह ने नसीराबाद में वक्तावर सिंह ने स्पोर्टिस वुड और न्यू बरी को उड़ा दिया दोबारा समझाना है ठीक है पवन जी के लिए दोबारा समझा लेते हैं क्योंकि ये यहां पर मैटर भी बहुत टेढ़ा है और बहुत खिचड़ी वाला मैटर है देखो अजमेर में ब्रिटिश शस्त्रागार था यहां तक समझ में आई बात अजमेर में ब्रिटिश शस्त्रागार था और अजमेर शस्त्रागार यानी हथियार खाने की सुरक्षा के लिए राजस्थान का जो एजीजी था जिसका नाम था लॉरेंस अगर आपने ढंग से पूरी के साथ क्रांति मेरे से सुनी हो समझी हो तो और बेहतर समझ में आएगा फिल्म के बीच में घुसते हैं तो समझ नहीं आता कौन हीरोइन है और कौन हीरो है इसलिए लगातार फिल्म देखनी पड़ती है या पांच दस मिनट रुकना पड़ता है समझ में आई अजमेर में राजपूताना प्रांत का जो एजीजी था लॉरेंस उस एजीजी लॉरेंस ने अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए दो बटालियन बुलाई और वो दोनों बटालियन मेरठ से आई थी एक बटालियन का नाम था पंद्रहवी बी एन आई और दूसरी बटालियन का नाम था तीसवीं बी एन आई यहां तक समझ में आई दोनों बटालियन को बुला दिया फिर लॉरेंस को ये टेंशन होने लगी ये शक हुआ कि ये सैनिक मेरठ से है और अठारह की क्रांति में मेरठ पहले नंबर पर प्लान में शामिल था और 10 मई को मेरठ में विद्रोह हो चुका था ठीक है तो लॉरेंस को टेंशन होने लगी कि कहीं हमने गलत बटालियन को तो अजमेर की सुरक्षा नहीं सौंप दी इसलिए इन दोनों बटालियन को यहां से निकालकर नजदीकी छावनियों में भेज दिया जाता है एक पंद्रहवीं बीएनआई को नसीराबाद में भेजा जाता है और तीसवीं बीएनआई को भेजा जाता है ब्यावर छावनी में समझ में आई यहां तक अब अजमेर की सुरक्षा तो किसी और से करवानी पड़ेगी इसलिए अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए दो बटालियन दूसरी बुलाई गई एक बटालियन का नाम था मेवाड़ भील कौर जिसे शॉर्ट में एमबीसी कहते हैं जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा है एक है बंबई लांसर्स बंबई लांसर्स जिसका मुख्यालय है बड़ौदा ठीक ये दोनों बटालियन अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए आई तो नसीराबाद में 28 मई की शाम तीन बजे के आसपास एक सैनिक वक्तावर सिंह जो कि इसी बीएनआई का था जो मेरठ से अजमेर अजमेर से नसीराबाद आया था उसने सीधा अपने कैप्टन से पूछा कि बार बार आप ट्रांसफर करवा रहे हो अगर भारतीय सैनिकों पर इतना ही भरोसा नहीं है तो फिर ये सारे नाटक क्यों क्योंकि हम सुप्रीम हैं हम आपका भला कर रहे हैं ये नाटक क्यों करते हो आप लोग तो वक्तावर ने जब ये बात पूछी तो किसको पूछी वुड को हालांकि इस पंद्रहवीं बीएनआई का जो कैप्टन था उसका नाम था वैंसी डॉट वुड में आपको इतना भी बारीकी से नहीं ले जा रहा हूं नहीं तो फंस जाओगे आप सारे और एक था न्यूबरी उस न्यूबरी ने वक्तावर को मारा इस कारण से न्यूबरी और सलटा दियाराबाद में, दिया। में, में तीसवीं पंद्रहवीं बी एन आई और ब्यावर में तीसवीं बीएनआई अजमेर शस्त्रागार को लूटने की कोशिश करती है तो उसकी सुरक्षा के लिए पहले से कौन तैनात है एमबीसी और बंबई लांसर्स तो भिड़ेंगे किस पे यही पंद्रहवीं बी एनआई तीसवीं बी भिड़ेगी एमबीसी और बंबई लांसर्स से और बंबई लांसर्स और एमबीसी ने दोनों ने अजमेर शस्त्रागार लूटने नहीं दिया इनको यहां से मार के भगा दिया और ये भागकर सीधा चले गए दिल्ली क्योंकि क्रांति का नारा क्या था चलो दिल्ली मारो फिरंगी ठीक है अगर अजमेर शस्त्रागार ये दोनों बटालियन लूट लेती तो पूरे भारत में सबसे भयंकर क्रांति यही अजमेर में होती ऐसा सारे इतिहासकारों का मानना है ठीक है अब एक बात और मैं आपको बता दूं, आपने एक शब्द सुना होगा डिवाइड एंड रूल फूट डालो और राज करो ये पॉलिसी थी ब्रिटिश सरकार की वर्तमान में नेताओं की भी है जातियों को आपस में बांटना विरोध भरना अंदर जो है जहर घोलना और उस जहर का एक नतीजा मुझे कल कमेंट नीचे कमेंट में भी देखने को मिला कि सर आप इस तरह से क्यों बोलते हो इस तरह से क्यों नहीं बोलते ठीक है तो दिमाग में एक पिन बिठा दी गई है ना पिन चुबो दी गई है कि जैसे कोई सोचता है मैं हिंदू विरोधी हूँ कोई सोचता है मैं मुसलमान विरोधी हूँ कुछ कोई सोचता है मैं दलित विरोधी हूँ कोई सोचता है कि मैं सवर्ण विरोधी हूँ मैं किसी का न तो विरोधी हूँ न रोधी हूँ मैं सोचता हूं कि हम सब इंसान हैं इंसान ही बने रहे तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा देश के लिए तो अब आप सोचिए बंबई लानस और मेवाड़ भील कोर में कौन थे भारतीय सैनिक पंद्रहवीं बीएनआई और तीसवीं बीएनआई में कौन थे भारतीय सैनिक इधर भी भारतीय उधर भी भारतीय यही तो डिवाइड एंड रूल है जो शुरू से ब्रिटिश सरकार करती आई है, है मैंने आपको क्रांति के स्टार्टिंग में क्या कहा था अंग्रेज थे मुट्ठी भर फिर भी 190 साल तक शासन कर पाए क्योंकि देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं थी समझ रहे हैं ये तो है राजस्थान के लोकल लोग और ये है मेरठ के यूपी के बाहर के लोग जो राजस्थान में आकर क्रांति कर रहे हैं और इसको ये दबा रहे हैं ये असल तस्वीर है अठारह की समझ में आई बात माया राम जी आपको मैं रिप्लाई देना चाह रहा था लेकिन समय नहीं मिला सॉरी दृष्टि बाधित छात्र हूँ काफी भाई काफी बताइए आप भीमराव अंबेडकर के पास कितनी डिग्रियां हैं आप ही बताइए क्या आपको भीमराव अंबेडकर क्या यार माया राम जी मेघवाल अब बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा दुनिया में कोई नहीं है मैं जानता हूँ मानता हूँ लेकिन टॉपिक तो आने दो अभी फिर हमारा अठारह की बात कर रहे हैं मेरे भाई जब हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे आदिवासी आंदोलन पढ़ेंगे तो जम के बात करेंगे अब क्यों इधर के उधर टॉपिक बीच में घुसा रहे हो अब मैं इनपे डिस्कस करने लग जाऊं तो आपका टाइम ही नहीं होगा या टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या टॉपिक क्या चल रहा है बताओ मुझे टॉपिक क्या चल रहा है टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति क्या इसमें बाबा साहेब का कोई रोल है क्यों टॉपिक से पटक रहे हो क्यों पटका रहे अब आप कहोगे कि सर सभ्यताएं पढ़ाओ और फिर कहोगे सर बाबा साहेब के बारे में बताओ या नेहरू जी के बारे में बताओ या गांधी जी के बारे में बताओ कैसे बताऊंगा मेरे भाई सभ्यताओं में थोड़ी थे अभी टॉपिक अठारह की क्रांति है जब है ना वो टॉपिक आएगा तब उस उनकी भी चर्चा करेंगे ठीक है मेरे भाई दृष्टि बाधित हैं आप इसका मतलब ये नहीं है कि माइलेज लेंगे उस चीज का पुणे एक बार एल आई सी डबल सेलेक्ट अच्छा वेरी गुड शानदार धन्यवाद आदित्य बहुत लेट आ गए मैं आप ही के बारे में बात कर रहा था चलो तो क्या कहां कहां तक लिखा आपने कहाँ तक लिखा जल्दी बताइए मैं दोबारा समझा रहा था इसको जल्दी बताओ फटाफट भगवान भला करे आप लोगों का जल्दी बताओ चलो लिख लिया ये सारा चलो आगे बढ़ते हैं ब्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया जी चौधरी लेकिन इतना जरूर है कि ब्यावर में जो तीसवीं बीएनआई थी जो ट्रांसफर की गई थी उस छावनी तीसवीं बीएनआई के जो सैनिक थे उन्होंने अजमेर शस्त्रागार पर हमला किया था इट्स मीन ब्यावर भी इन्वॉल्व था राजस्थान में क्रांति ऐसी है भाई चले आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं नीमच की ओर हम बैक टू बैक तीन स्थानों पर क्रांति कंप्लीट कर चुके हैं कहां कहां पर एक तो नसीराबाद में एक ब्यावर में और एक अजमेर में ठीक अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्रांति का स्पॉट है वो है नीमच नीमच में क्या हुआ था चलिए जानते हैं नीमच में क्या हुआ था देखिए साथियों नीमच में तीन जून को क्रांति हुई कैसे किस प्रकार से देखिए नीमच छावनी को शायद राजस्थान की छावनी के रूप में ऐड करने के पीछे कारण यह होगा कि नीमच के अंडर में आता है मेवाड़ शायद यह वजह नहीं होगी और नीमच छावनी का जो सार्जेंट था सार्जेंट उस सार्जेंट का नाम था कर्नल एबोट एबोट ठीक है कर्नल एबोट नीमच छावनी का सार्जेंट यहां क्या हुआ था जरा समझने का प्रयास करना बिल्कुल कमेंट में लिख लेना कॉल पे बात कर लेंगे हां जी हां जी हां जी हाँ जी चले नीमच में क्या हुआ था जरा ध्यान से सुनना नीमच छावनी का जो कैप्टन था उसका नाम था अबाउट देखिए नीमच में तीन जून की अल सुबह मेरे भाइयों आप क्रांति की बात कर रहे हो ना मेरे पास में तत्कालीन राजपूताना प्रांत का जो सेनापति था जिसका नाम था होम्स उस होम्स की किताब पड़ी हुई है 1857 की कोई इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकता है यू समझ लो इस पर पूरा रिसर्च मार रखा है तीन जून की अल सुबह तीन जून की अल सुबह अल सुबह समझते हो अर् मॉर्निंग फ्रेश मॉर्निंग जब सूर्योदय से पहले वाला समय होता है उसे कहते हैं अल सुबह अब यहां पर तीन जून की अल सुबह को क्या हुआ था जरा समझना तीन जून की अल सुबह परेड ग्राउंड में परेड मैदान में परेड ग्राउंड में एबोट ने सारे सैनिकों को बुलाया डेली का रूटीन है वैसे भी सैनिक जो है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं आप जानते होंगे तो परेड ग्राउंड में एबॉट ने सारे सैनिकों को बुलाया और सबको हाथ आगे करवाया सब सैनिकों को हाथ आगे करवाया और एबॉट कहने लगा एक ऊंचे पत्थर पर या ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होकर सारे सैनिकों को एबोट कहने लगा कि वी आर इंग्लिश ट्राइनस्ट्री because we are superior in the world we are fair so we are ruling whole world you know about british empire british empire are superior in the world because they are fair and you bloody black indians very curious Well, Jaffa, हम इंग्लिश ब्रिटिशर्स हैं क्योंकि हम गोरे हैं इसलिए दुनिया पर राज करते हैं हम हमें तुम्हारा ऐशान तुम्हें हमारा ऐशान मानना चाहिए कि हम तुम्हारी रक्षा करता है हम तुम्हारे ऊपर शासन करता है काले भारतीयों ब्लैडी ब्लैक इंडियंस तुम कितने क्रूर दिखते हो तुम कितने डर हो हमारा धन्यवाद करो कि हम तुम्हारे ऊपर शासन करता है अगर हम तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करता तो तुम लोग कभी डेवलप नहीं हो सकता था यू नो यू ब्लैड ब्लैक इंडियंस तुम कितने काले दिखते हो हम गोरे हैं इसलिए दुनिया पर राज करते हैं मैंने सुना है कि हमारे खिलाफ तुम लोगों ने अंदर ही अंदर कुछ प्लान बन रखा है यहां पर कुछ करने की सूचना भी मत एक बात बताइए एबोट इस तरह से बात कर रहा है आप उन सैनिकों की जगह वहां पर होते तो क्या करते क्या करते सही सही बता क्या करते एबोट का क्या करते आ, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एबोट को मार देते तोड़ देते भांग देते सुनो तो ऐसा ही गुस्सा वहां पर दो व्यक्तियों को आया आगे आगे मत भागो मेरे साथ ही रहो फायदे में रहोगे सबसे पहले मोहम्मद अली बैग ने कहा लाइन तोड़कर मोहम्मद अली बैग ने कहा कि तुम लोगों ने कौन सा हमारा भला कर दिया है जो हमको वफादारी की शपथ दिलवा रहे क्या होगा इसका अपने कैप्टन से ऐसे बात कर रहा है सस्पेंडेड मोहम्मद अली बैग का विरोध मोहम्मद अली बैग का समर्थन कर, किया हीरा सिंह ने और हीरा सिंह ने अपने कैप्टन से पूछा कि इसकी क्या गलती है जो आपने इसको सस्पेंड कर दिया इसका क्या होगा यू ऑल्सो सस्पेंडेट जितने में एबोर्ट का साला एबोर्ट का साला मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड दौड़ा दौड़ा आया हाथ में एक टेलीग्राफ था और अपने जीजू एबोट को दिया शायद वो मिलने आया था उस समय दिया और वो टेलीग्राफ देते ही एबोट को चक्रे आने लगी अब आप बताएंगे उस टेलीग्राफ में ऐसा क्या था और एबोट को चक्रे क्यों आई बताइए क्यों आई चक्रे और ऐसा क्या था चक्रे क्यों आई? ऐसा उस टेलीग्राफ में क्या था भाई साहब आपको पता होगा भारत के तत्कालीन सेनापति जॉन ने साली सारी छावनियों में टेलीग्राफ भेज के अलर्ट कर दिया था और एवोड को टेंशन इस बात की थी कि नीमच छावनी में कुछ नहीं होता लेकिन अभी अभी उसने जो हरकत की है ना उससे तो पक्का यहां पर विद्रोह होगा क्योंकि वो जानता है कि यहां पर सिर्फ चार गोरी मुंडी वाले हैं चार अंग्रेज हैं, चार फॉरेनर हैं। एबोट उसकी बीवी एलिना उसका डेढ़ साल का बेटा डेफर्ट और उसका साला मैकडोनल्ड बाकी तो सारे ब्लडी ब्लैक इंडियंस हैं। क्या करेगा एबोट टेंशन तो होगी अब यहां से अगर वो भागे तो ब्रिटिश कंपनी सस्पेंड करेगी और नहीं भागे तो ये दुनिया से सस्पेंड होगा यह तय है बंदा क्या करे अपनी छावनी में जाकर बैठ गया सारे दरवाजे खिड़की बंद करवा दिए टेंशन के मारे पूरी रात पूरे दिन भर टेंशन में रहा बार बार खिड़कियां खोल के देख रहा है पूरी खिड़कियां खोल के देख रहा है कुछ हुआ तो नहीं दोपहर से शाम हो गई खिड़कियां खोल के देख रहा है कुछ हुआ तो नहीं शाम से रात हो गई रात के समय जब उसकी बीवी एलिना ने खिड़की खोल के देखा तो रात को चारों तरफ छावनी में आग ही आग लगी हुई थी यानी जो सुबह होना था वो शाम को हो चुका था अब आग लगी है भाई साहब तो पहले इंसान किस की जान बचाएगा अपने बीवी बच्चे की जान बचाएगा या खुद की खुद की इसलिए एबोट अपने कुछ वफादारों के साथ लगभग 41 वफादार बताए जाते हैं अलग अलग आंकड़े हैं अपने वफादारों के साथ यहां से भाग गया और डूंगला गांव वर्तमान चित्तौड़ के अंदर एक रूंघाराम नाम का किसान था उसके घर में छिप गया सैनिकों ने उसका पीछा किया और डूंगला गांव में उसे घेर लिया उसके भारतीय चमचों के साथ डूंगला गांव में उसे घेर लिया अब कुछ अपने अधिकारियों के साथ में उसने एक बात बताओ ब्रिटिश कंपनी कौन सी कंपनी है एक व्यापारिक कंपनी व्यापार की परमिशन किसने दी स्थानीय रियासतों ने तो व्यापारियों की सुरक्षा करने का दायित्व तो किसका है रियासतों का उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था पीए था जिसका नाम था जनरल शावर्ष ने मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह को कहा कि हमारे अधिकारी हमारे लोग डूंगला गांव में फंसे हुए हैं आप हमको सेना दीजिए इसलिए महाराणा स्वरूप सिंह को सेना देनी ही थी क्योंकि संधि थी ब्रिटिश कंपनी से और ये वाला सवाल महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया है अठारह की क्रांति के दौरान कौन से मेवाड़ महाराणा ने ब्रिटिश कंपनी का सहयोग किया था सवाल सहयोगात्मक आ रहे मेरे लाले इसलिए ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ यहाँ पर जनरल सौवर्ष महाराणा स्वरूप सिंह की सैनिक सहायता लेकर सीधा डूंगला गांव आता है और इनको छुड़वा कर सीधा जगमंदिर ले जाता है समझ में ही नहीं मचकी क्रांति लिखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ यहाँ पर अंग्रेजों की नकल क्यों नहीं करेंगे लिखो फटाफट फथ। जल्दी कैमॉन हारे अफ मैं एक मिनट में आया आप एक बार ये उतार लेना इसमें से कुछ उतारना तो उतार लेना मैं एक मिनट में आया थोड़ा सा लिखो साथियों लिखो तीन जून की अल सुबह नीमच कोस्टक मध्य प्रदेश ओके ओके लता जी थैंक यू तीन जून की अल सुबह नीमच छावनी में छावनी में छावनी के सार्जेंट एब छावनी के सार्जेंट एबोट छावनी के सार्जेंट एब ने भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश वफादारी की शपथ दिलवानी चाहिए भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश वफादारी की शपथ दिलवानी चाहिए ब्रिटिश वफादारी की शपथ दिलवानी चाहिए जिसका विरोध जिसका विरोध जिसका विरोध, विरोध मोहम्मद अली बैग जिसका विरोध मोहम्मद अली बैग नेक्स्ट लाइन हीरा सिंह ने किया जिसका विरोध मोहम्मद अली बैग और हीरा सिंह ने किया जिसका विरोध मोहम्मद अली बैग और हीरा सिंह ने किया नेक्स्ट लाइन तीन जून की शाम को इन सैनिकों ने छावनी में आग लगा दी तीन जून की शाम को इन सैनिकों ने छावनी में आग लगा दी जून की शाम को इन सैनिकों ने छावनी में आग लगा दी छावनी में आग लगा दी हालांकि बहुत कुछ हुआ था एक छोटा मोटा कांड थोड़ी हुआ था छावनी में आग लगाई सत्तर हजार रुपए भी लूटे यहां पर कैदियों को भी छोड़वाया लेकिन अपना इतना बारीकी से नहीं जाना इतना अंदर गहराई में और नहीं जाना है काफी गहराई में अपन ऑलरेडी जा चुके हैं छावनी में आग लगा दी नेक्स्ट लाइन इस आगजनी में एबोट की पत्नी और बच्चा जलकर राख हुए थे इस आगजनी में एबोट की पत्नी और बच्चा जलकर राख हुए थे एबोट की पत्नी और बच्चा जलकर राख हुए थे नेक्स्ट लाइन एबोट अपने कुछ वफादारों के साथ डूंगला गांव एबोट अपने कुछ वफादारों के साथ डूंगला गांव डूंगला गांव के एक किसान रोंगा राम के घर में छिप गया डोंगला गांव के एक किसान रोंगा राम के घर में छिप गया छिप गया मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जनरल सावर्ष ने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जनरल शावर्ष ने जनरल शावर्ष, जनर शावर्ष ने इन्हें छोड़वाकर सुरक्षित जंग मंदिर में ले जाया इन्हें छोड़वाकर सुरक्षित जंग मंदिर में ले जाया सुरक्षित छोड़वाकर जग मंदिर में ले जाया। देखिए यहां पर जब डुंगला गांव से इनको जग मंदिर ले जा रहे थे तब बीच में और भी युद्ध हुआ था अब इतनी सारी बातें मैं बताने जाऊंगा तो फिर कहोगे कि सर बहुत लंबा चल रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा स्कीप कर जाता हूं फिलहाल इतना बता दूं कि बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे माछा तोड़ युद्ध कहते हैं मैंने कहा था खटिया तोड़ युद्ध करने में मेवाड़ी माहिर थे तो वर्तमान मंगलवाड़ जो कि चित्तौड़गढ़ रास्ते पे है मंगलवाड़ से लगाकर ये जो निकुंभ सावलिया सेठ जी का मंदिर है निकुंभ उसके आसपास खटिया डाल के कुछ मेनारिया ब्राह्मण लेट गए बिंडर के ठाकुर साहब के साथ में मिलकर और क्या इनको जम के तोड़ा है यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी भी यहाँ मारा गया था और उसकी समाधि बनी हुई है नदी के किनारे अभी हाल ही में कुछ रिसर्च कर रहे हैं, हमारे कुछ सहयोगी वो बताते हैं कि वहां पर उनकी समाधि बनी हुई है खैर छोड़िए इसको गांव के रोंगाराम के किसान के घर में कैद कर लिया ठीक है माछा तोड़ युद्ध खटिया तोड़ युद्ध होता है मेवाड़ की परंपरा है माछा तोड़ युद्ध मैंने पहले भी समझाया शायद आपने आरंभ मेरी पूरी क्लासे सारी नहीं देखी हाँ बिल्कुल चले आगे बढ़ते हैं देवली कब हुआ है चार जून देवली में चार जून को विद्रोह हुआ है लिखिए देवली में लिखो देवली में मैकडोनल्ड का पिज्जा करते हुए सॉरी पीछा करते हुए मैकडोनल्ड का पीछा करते हुए कुछ सैनिक देवली पहुंचे कुछ सैनिक देवली पहुंचे कुछ सैनिक देवली पहुंचे अगले दिन उसे छावनी से निकालकर मार दिया अगले दिन उसे छावनी से निकालकर मार दिया मैंने कहा था ना मैकडोनल्ड भागा था वहां से अगले दिन देवली छावनी से निकालकर उसे मार दिया लो छावनी में क्रांति कंप्लीट पता ही चला आपको यह है राजस्थान की क्रांति अब पता नहीं किन विद्वानों ने इसे क्रांति नाम दिया पहली बात तो यह विद्रोह है 1857 का विद्रोह है क्रांति किसको बोलते हैं? क्रांति का मतलब होता है जिसमें संपूर्ण देश की जनता इन्वॉल्व होती है क्या इसमें राजस्थान की जनता इन्वॉल्व थी पूरे देश की जनता इन्वॉल्व थी विद्रोह बोला जाता है वी डी सावरकर ने इसे अठारह की क्रांति कहा है अगर इसको अठारह की क्रांति कहें आप तो क्या महाराणा प्रताप ने क्रांति नहीं की क्या महाराणा सांगा ने क्रांति नहीं की आप उनका अपमान कर रहे हो मालदेव ने क्रांति नहीं की वो भी तो क्रांति थी क्या मिरसा, मिरसा मुंडा ने क्रांति नहीं की क्या गोविंद क्रांति नहीं की क्या मोतीलाल तेजावत ने क्रांति नहीं की क्या विजय सिंह पथिक ने क्रांति नहीं की वो भी तो क्रांति थी समझ रहे हैं में नहीं बात इसलिए इसको एक मात्र विद्रोह माना जाता है इवन होम्स ने तो यहां तक लिखा है मामराज जैसा आप कह रहे हैं ना एलिना के मरने पर आपको थोड़ी से नाराजगी हुई एलिना छोड़ी उसका डेढ़ साल का बच्चा भी मर जल के खा, खाक हुआ था होम्स तो लिखता है यहां तक कि यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था बर्बरता का युद्ध था सभ्य किसको कहा, कहा है होम्स ने ब्रिटिश कंपनी को और बर्बर यानी क्रूर राक्षस किसको बोला है भारतीयों को आप सोचिए एलिना और ज, उसका उसका बेटा जो क्या नाम है उसका मैं नाम स्लिप हो गया दिमाग से उसकी बेचारे की क्या गलती कोटा में बर्टन के दो बच्चे थे फ्रैंक और ऑर्थर उनकी क्या गलती थी खैर आप लोगों के अलग अलग मत मतांतर होंगे लेकिन भारतीय संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम बच्चों और औरतों पर हाथ उठाएं खैर जो भी हो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मारवाड़ की ओर मारवाड़ में क्रांति कैसे कैसे हुई बात समझने का प्रयास करना यहां मारवाड़ में देखिए मारवाड़ में मैं डीसा को ऐड करूंगा साथ में करना पड़ेगा 19 अगस्त को माउंट आबू 20 अगस्त को एरिन पुरा पाली इक्कीस अगस्त को देन आउआ इसको भी ऐड कर लेते हैं जिसमें बिठोड़ा युद्ध आउआ ब्यावर में 8 सितंबर को एंड चेलावास युद्ध 18 सितंबर को एंड आउआ का युद्ध जनवरी अठारह को ये राजस्थान में मारवाड़ की क्रांति के हॉटस्पॉट है अगर पहले नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिख लीजिए देखिए यहां पर क्या हुआ था समझने का प्रयास करते हैं हाँ जी गोरे काले का युद्ध देख लेंगे अपन फिलहाल अपन यहीं पर रहते हैं देखो साहब डीसा आप तो जानते हो कि गुजरात के जो बंदरगाह है वह शुरू से एक व्यापार का प्रमुख केंद्र रहे।, रहे हैं समझ रहे मेरी बात जिसमें एक बंदरगाह आपने सुना होगा जिसका नाम है ब्रुगुकच जो कि प्राचीन काल का बंदरगाह था बड़ोच उसके बाद सूरत मध्यकाल में और अब आधुनिक काल में कांडला तो डीसा में सारा जो माल अगर आप ये सोचते हो कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा लूटने का कई मतलब नहीं है कि सोना चांदी हीरे जवारात लेकर गए वो तो लेकर गए हैं साथ में ये व्यापारिक कंपनी थी यहां से कच्चा माल ले जाती थी जैसे यहां से नील ले गए नील नील समझते हो ना उजाला सुप्रीम चार वाला और वहां की फैक्ट्रियों में जो है वही पेंट बना के, वापिस इंडिया को चिपका दिया जाता ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर शासन करने का उद्देश्य यही था क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट था एक मार्केट हब था जैसे चाइना वालों ने इंडिया पर मार्केट के रूप में कब्जा कर रखा है ठीक है ताकि अपने प्रोडक्ट की खपत करवा सके तो यहाँ डीसा में एक नियम था कि जो भी यहां से माल आता था वो सारा माल डीसा में चेक हो गए ये सारा कांडला बंदरगाह तक जाता था खचरों पर खचरों पर जाता था डीसा में एक अनोखा नियम था कि यहां पर स्थानीय लोग जो माल सप्लाई करते थे वहां पर अगर कोई गड़बड़ करता था या नाफरमानी करता था तो उसको खच्चर की जगह इस्तेमाल करके उस पर माल लाद के उसको कूट कूट के थेटका डाला ले जाते थे ये लोग तो इस वजह से डीसा में कुछ सैनिकों ने 19 अगस्त को छावनी में आग लगा दी और ये डीसा के सैनिक आग लगाकर सीधा हर जगह आग ही लगा रहे देख लो डीसा से आग लगाकर ये सैनिक जो है आबू पहुंच गए आबू माउंट आबू वर्तमान सिरोही में है आप जानते हैं और आबू में एक बटालियन तैनात थी जिसका नाम था जोधपुर लीजियन कैवलरी अब आप सोचिए कि यहां पर कैवलरी तैनात थी किताबों में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है तो क्या आबू छावनी नहीं थी सैनिक है वहां पर छावनी तो डेफिनेटली थी जोधपुर लीजियन कैवलरी या लेगून कैवलरी तैनात थी आबू में अब इसको लेगून या लीजियन कैवलरी क्यों कहते हैं देखो लेगून आपने सुना होगा अगर ज्योग्राफी का थोड़ा बेसिक नॉलेज हो तो आपको पता होगा लटकती हुई झील को कहते हैं लेगून झील तो ये लीजियन कैवलरी जो है ये भी इस प्रकार की आकृति में चलती थी जैसे नेताओं को जेड प्लस सुरक्षा या जेड सुरक्षा यानी जेड आकृति में या जेड प्लस आकृति में नेताओं की सुरक्षा की जाती थी समझ रहे हैं जेड आकृति में ब्लैक कमांडोस उन्हें घेर के रखते हैं इसलिए इसको जेड या जेड प्लस सुरक्षा कहते हैं तो जोधपुर लीजियन कैवलरी है या लेगुन कैवलरी है जोधपुर के सैनिक है ये कैवलरी जो है वह एजीजी की सुरक्षा के लिए मारवाड़ ठिकाने ने गठित कर रखी थी जो एजीजी की सुरक्षा में तैनात रहती थी एजीजी आज की तारीख में आप उसे समझे राज्यपाल ठीक है तो जोधपुर की सेना थी इसलिए जोधपुर लीजियन कहते हैं इसको कैवलरी कैवलरी का मतलब होता है ऐसी बटालियन जो पशुओं का इस्तेमाल करती हो समझ गए एक तो बटालियन सीधी बड़ी बटालियन और कैवलरी मतलब पशुओं का इस्तेमाल करने वाली बटालियन जैसे ऊंटों का इस्तेमाल करती है घोड़ों का इस्तेमाल करती है ये कैवलरी अभी भी मौजूद है राजस्थान बॉर्डर की सुरक्षा करती है बी बॉर्डर पता है ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक कैवलरी अभी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात रहती है घोड़ों वाली सेना आपको पता हो तो, तो जोधपुर लीजियर कैवलरी तैनात थी कहां पर आबू में अच्छा मेरा एक छोटा सा सवाल है अगर आप ढंग से मुझे सुन रहे हो तो यह बताइए कि राजस्थान में अठारह की क्रांति कब हुई डेट बताइए अठारह क्रांति कब हुई कब हुई कौन सी डेट को हुई हाँ बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर पे है सियाचिन में ऊंट कहां से आ गए भाई आ कुछ भी एग्जाम में पूजा आप बहुत लेट पूछते हो पहले पूछना चाहिए अट्ठाईस मई को वेरी गुड देखो 28 मई को क्रांति की शुरुआत हुई है तो उस समय राजपूताना प्रांत का एजीजी कहां था आबू आबू में था और आबू से वो गया अजमेर की सुरक्षा के लिए आ गई बात ठिकाने और अजमेर की सुरक्षा के लिए उसने दो बटालियन बुलाई थी पंद्रहवीं बीएनआई और तीसवीं बीएनआई तो इसके बदले में वो एजीजी जो है अपने बेटे एलेक्जेंडर को यहां छोड़ के गया था चौदह साल का था एलेक्जेंडर तो आबू में कौन अंग्रेज था एलेक्सेंडर जो किसका बेटा था एजीजी लॉरेंस का बेटा था वो बेचारा डर गया जब डीसा के कुछ सैनिक आबू आए और आबू जोधपुर लीजियन के, के साथ में मिल गए ठीक है वो यहां से भाग गया पापा पापा करता अजमेर की तरफ तो जब वो भागा तो इन सैनिकों ने आबू से उसका पीछा किया और पीछा करके अगले दिन उसे एरिनपुरा छावनी में 21 अगस्त को उसकी गर्दन काटकर ठोकरे मारते हुए ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए आगे बढ़े अब बताओ एग्जेक्टली exactly जिन सैनिकों ने अलेक्जेंडर का सिर काटा था एरिनपुरा में वो सैनिक कहां के थे कौन थे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है हो सकता है वो डीसा के सैनिक हो सकता है आबू के सैनिक हो सकता है एरिनपुरा के सैनिक हो तो क्या हम नहीं कह सकते कि आबू में क्रांति नहीं हुई सैनिक तो जोधपुर लीजियन कैवलरी के, के थे और जोधपुर लीजियन कैवलरी आबू में तैनात थी कुछ समझ में आई यहां की बात है मैथ रीजनिंग तो ठीक है, लिख लो लिख लो मारवाड में क्रांति के स्पॉट में लिखो डीसा के कुछ सैनिक डीसा के कुछ सैनिक डीसा के कुछ सैनिक आबू पहुंचे आबू पहुंचे डेफिनेटली आबू भी क्रांति में इन्वॉल्व था क्योंकि जोधपुर लीजियन कैवेलरी आबू की ही थी आबू पहुंचे आबू में जोधपुर लीजियन कैवलरी तैनात थी आबू में जोधपुर लीजियन कैवलरी तैनात थी जोधपुर लीजियन कैवलरी तैनात थी यहां पर अंग्रेज एलेक्जेंडर था यहां पर अंग्रेज अलेक्जेंडर था यह अलेक्जेंडर एजीजी लॉरेंस का बेटा था यह अलेक्जेंडर एजीजी लॉरेंस का बेटा था एजीजी लॉरेंस का बेटा था आबू से भागकर अलेक्जेंडर एरिनपुरा छावनी में छिपा आबू से भागकर अलेक्जेंडर एरिनपुरा छावनी में छुपा आबू से भागकर अलेक्जेंडर एरिनपुरा छावनी में छुपा 21 अगस्त को सैनिकों ने अलेक्जेंडर की गर्दन काटी 21 अगस्त को एरिनपुरा में सैनिकों ने अलेक्जेंडर की गर्दन काटी किताबों में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर आबू से भागकर आया था और आबू के सैनिकों ने उसका पीछा किया था और उसे एरिनपुरा में मारा गया अलेक्जेंडर की गर्दन काटकर आगे बढ़े कुछ नाम लिखो सैनिकों का जिन्होंने ये कांड किया था नाम लिख लो कुछ सैनिकों का कुछ सैनिकों का नाम लिखो जिन्होंने ये कांड किया था अबू एरिनपुरा में शीतल प्रसाद भवानी सिंह मोती खान शीतल शिवनाथ प्रसाद अब बताइए ये शिवनाथ मोती खान भवानी सिंह शीतल प्रसाद कहां के सैनिक है आप ये परफेक्टली दावा कर सकते हो कि कहा के हैं ये एरिनपुरा के नहीं कह सकते आबू के नहीं कह सकते डीसा के नहीं कह सकते कहीं के भी हो सकते हैं ये तो उस समय न तो आप थे वहां पर मौजूद न मैं था नोट डालिए एक मस्त वाला मस्त वाला नोट डालिए शानदार वाला नोट डालिए खतरनाक वाला नोट डालिए लिखिए चलो दिल्ली मारो फिरंगी का पहला नारा 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 शिवनाथ प्रसाद ने यही पर लगाया था जो क्रांति का स्लोगन है ना चलो दिल्ली मारो फिरंगी का पहला नारा शिवनाथ ने यहीं पर लगाया था ठीक है भाई चलो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का पहला नारा शिवनाथ ने यहीं पर लगाया था देखिए ये सैनिक सबको कहां जाना था दिल्ली तो डीसा से आबू आबू से एरिनपुरा और एरिनपुरा से ये दिल्ली जाना चाहते थे और दिल्ली जाते वक्त रास्ते में इनको आउआ ठिकाने में रोक लिया गया आउवा गहलोत साहब की घोषणा से पहले पाली में था वर्तमान में ब्यावर में जाएगा ये आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी सुगाली माता के मंदिर में ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार पांच हजार विद्रोही इकट्ठा थे पांच हजार विद्रोही अंग्रेजों की नजर में हमारी नजर में क्रांतिकारी इकट्ठा थे अब बताइए ये पांच हजार विद्रोही आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी सुगाली माता के मंदिर में इकट्ठा है ये कहाँ के हैं बताइए कहां के हैं डीसा आबू एरिनपुरा और स्थानीय गांव वाले भी समझ गए ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत ने रोक लिया और यहां पर ये सारे के सारे विद्रोह करने की फिराक में थे ठीक अच्छा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत किस रियासत के ठाकुर हैं आउ के ठाकुर हैं लेकिन रियासत कौन सी है मारवाड़ और मारवाड़ के उस समय महाराजा है राव तखत सिंह राठौड़ राव तखत सिंह राठौड़ मारवाड़ के महाराजा वीडियो परीक्षा में पूछा गया सवाल एक बात बताइए ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत किसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं सच्चे मायनों में देखा जाए तो किसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या अपने ही महाराजा के खिलाफ अपने ही महाराजा के खिलाफ क्योंकि आप तो जानते हैं आप तो बेहतर जानते हैं बता भी चुका हूं कि सोचिए यहां सोच के देखिए आउआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो विद्रोह कर रहे हैं अपने ही महाराजा के खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं रियासतों ने तो ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश कंपनी को व्यापार की अनुमति दी उनसे संधिया की तो एग्जैक्टली ये लड़ाई किसके बीच में हो चल रही है कुशाल सिंह वर्सेस तखत सिंह कॉपरेट तो करना ही पड़ेगा तखत सिंह को अब देखते यहां क्या कांड होता है और कितना जबरदस्त कांड होता है ये सारा का सारा देखिए मेरी बात सुनो राजस्थान में सबसे भयंकर जो क्रांति हुई थी जब से सबसे जबरदस्त क्रांति हुई थी वह हुई थी आउआ में और यहां क्या क्या होता है हम सब कुछ देखेंगे अगली क्लास में आज के लिए इतना ही बस अगली क्लास में विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि ये फालतू के कमेंट मुझे भी लगता है कि टाइम वेस्ट करवा देते हैं और ना लू तो फिर बोलते हैं कि सर लेते नहीं अच्छा पढ़ाओ तो बोलते हैं कि सर टाइम लग रहा है जल्दबाजी में निपटाओ तो निपटाया जा रहा है तो क्या करे कान हम ही पकड़े आप तो कुछ ना पकड़े कान वगैरह तो साथियों आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम आपको जो करना है नीचे कमेंट करिए आपको जो पसंद हो जैसा पसंद हो करिए लेकिन करिए जरूर सपोर्ट करना चाहिए अगर आपको लगता है करने लायक है तो ठीक है लाइक अनलाइक जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो बाय बाय सी यू लेटर